नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा चीन को एक और बड़ा झटका दिया गया है, जिसके तहत टिकटॉक समेत अन्य 59 चीनी ऐप पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से 59 चीनी ऐप पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा यहाँ पर चीनी ऐप को यूज करने पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में अगर आपके भी फोन में ये जो चीनी ऐप है तो उसे जो है आप जल्द से जल्द निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा टिकटॉक समेत ये जो 59 चीनी ऐप है तो उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है तो वो कौन कौन से ऐप है। पर उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप हमारे चैनल के अभी तक सदस्य नहीं बने हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं। साथ में उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा टिकटॉक समेत अन्य 59 चीनी ऐप पर जो प्रतिबंध लगाया गया है तो उसी अपडेट के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि भारत सरकार ने दिया चीन को झटका, टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगाया प्रतिबंध। तो जी हां दोस्तों, भारत सरकार द्वारा ये जो बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत यहाँ पर बताया गया है कि चीन को भारत सरकार ने बड़ा झटका देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप बैन कर दिए है। हेलो ऐप और कैम स्कैनर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद से ही टिकटॉक ऐप पर बैन करने की मांग की जा रही थी। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, शेयर इट जैसे और भी बहुत से चर्चित ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चीनी ऐप की एक सूची तैयार कर केंद्र सरकार से उन पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इसके पीछे यह दलील दी गई थी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने उन 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है, जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक थे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर कई शिकायतें मिली है, जिनमें कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग की बात है। ये ऐप आईफोन और एंड्रॉइड दोनों यूजर का डाटा चोरी कर रहे हैं। इन सभी ऐप्स का सर्वर भारत के बाहर है। इन सभी ऐप को सरकार ने बैन कर दिया है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि टिकटॉक समेत अन्य कौन कौन से ऐप है जिन्हें भारत सरकार द्वारा यहाँ पर जो है वो बैन कर दिया गया है। तो यह दोस्तों, ये जो सारे ऐप है तो इनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूँ, तो वहां पर भी आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। साथ में यहाँ पर अभी हम जान लेते हैं कि टिकटॉक समेत यहाँ पर शेयर इट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, शेयर इन, बैडू मैप, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एम आई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, अपूस ब्राउजर, रोमी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एम आई वीडियो कॉल शाओमी, वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, विवा वीडियो, मीटू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, ड्यू रिकॉर्डर, वॉल टाइड,
कैशे क्लीनर, डीयू ऐप स्टूडियो, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउजर, हैगो प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चिता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, वी मेट, स्वीट सेल्फी, बायडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यूक्यू इंटरनेशनल, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यूक्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स, डीयू प्राइवेसी। तो ये जो सारे ऐप है तो इनको भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यह दोस्तों आज के इस वीडियो में भारत सरकार द्वारा टिकटॉक समेत ये जो तो उनके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।